शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन पर अवैध रेत परिवहन जैसे मामलों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार खोड़ आसपुर रोड पर रात्रि करीब 10 बजे वाहन चेकिंग के दौरान एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर रेत संबंधित रॉयल्टी की जानकारी ली। रॉयल्टी न होने पर अवैध रेत परिवहन जैसी धाराओं में खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजू दुबे के द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर कार्यवाही की गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जिले में श्रीमान पुलिस शिक्षा महोदय, अतिरिक्त पुलिस शिक्षा महोदय, एसडीपी महोदय पिछोर द्वारा रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर पूर्णतः रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में कल रात्रि में घोड़ आसपुर रोड पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, तो एक ट्रैक्टर जिसमें रेत भरी हुई थी आता मिला, जिसे रोक कर चेक किया गया तो उसका मालिक और ड्राइवर दोनों एक ही थे, जयेंद्र जाटव निवासी आसपुर। वो ट्रैक्टर में रेत भरी हुई लाया था, जिससे रॉयल्टी के संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा रॉयल्टी नहीं होना बताया। अतः रेत चोरी से परवन करते पाए जाने से उसके विरुद्ध नियमानुसार ट्रैक्टर जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।